हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे ईएमसी वर्कशीट नंबर 25 फोर क्लास 9th to 12th। 9th to 12th के सभी बच्चों को ईएमसी वर्कशीट जो है वो करनी होती है, क्योंकि ये ईएमसी की वर्कशीट आपको प्रैक्टिकल लाइफ के स्किल्स जो हैं वो समझाती हैं कि किस तरह से ज़िंदगी में जो प्रैक्टिकल लाइफ है, डेली लाइफ है हमारी, हम उसमें किस तरह से अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे, कौन कौन सी प्रॉब्लम हम फेस कर सकते हैं, कौन कौन सी तरीके हैं जिनसे हम अपने आप का विकास कर सकते हैं, अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं, अपने अंदर कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। और उसी ईएमसी की जो सीरीज़ है, उसी जो प्रैक्टिकल स्किल्स की जो सीरीज़ है, उसमें आप सीखने वाले हो आज जोखिम उठाना। आज की हमारी वर्कशीट का जो टॉपिक रहेगा वो है जोखिम उठाना, पार्ट वन। ठीक है, टेक रिस्क पार्ट वन, यानी पार्ट वन है तो पार्ट टू भी आएगा। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए, सबसे पहले हम जो ये हमारा वर्ड है टेक रिस्क, इसका मतलब समझ लेते हैं कि रिस्क का मतलब क्या है। हम सब जानते हैं कि कई बार क्या होता है कि हम कोई भी काम शुरू करने से पहले ही उसमें हार मान लेते हैं। हम ये सोच लेते हैं कि हम इस काम को नहीं कर सकते, लेकिन सही मायने में अगर देखा जाए तो जो विफलता होती है ना, किसी काम में फेल होना, वो सफलता से कई बार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हुए हैं जब हमने, अगर हम इतिहास को टटोल कर देखें, कितने ऐसे बिजनेसमैन हैं, साइंटिस्ट हैं, महापुरुष हैं जो जीवन में सफल बनने से पहले लगातार कई बार फेल हुए हैं। ठीक है, अगर वो ऐसा सोचते तो शायद वो उनका नाम जो है आज हम नहीं जानते। क्लियर, जब हम बहुत सारे काम कर रहे हों तो ये ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ ठीक होगा, लेकिन ये भी तो ज़रूरी नहीं है कि हम ये सोच कर कि कुछ ठीक नहीं होगा काम की शुरुआत ही ना करें। अगर हम इस वजह से प्रयास करना छोड़ देंगे, रिस्क लेना छोड़ देंगे, तो ज़िंदगी में मुझे नहीं लगता कि हम कभी भी सफल हो सकते हैं। तो किसी भी काम को करने के लिए हमें रिस्क लेना ज़रूरी है। ठीक है, हम बिना रिस्क लिए किसी काम को ये सोच कर नहीं कह सकते कि जो है हम इसमें जो सफल हो ही नहीं सकते थे, या हम एक मन में जो मलाल है ना वो रह जाता है। ठीक है, यानी हमने काम किया नहीं, उसको छोड़ दिया, लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये रहेगा कि काश अगर मैं इस काम को करके देखता या देखती तो क्या पता मेरे से हो जाता। और कई बार कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं कि हम जिंदगी भर उनके लिए पछताते हैं, रिस्क ना लेने के कारण, कि कभी जो है हम कभी किसी काम में हमने रिस्क नहीं लिया और ज़िंदगी भर उसका पछतावा हमारे मन में रह जाता है। ठीक है, तो एक बहुत एक अच्छी कोट जो है आप कह सकते हो कि ज़िंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो, या तो जीत मिलेगी और हार भी गए तो सीख मिलेगी। ठीक है, यानी कुछ ना कुछ तो सीखने को भी मिलेगा ना, कि ज़िंदगी में इस तरह के डिसीज़न हमें नहीं लेने, इससे हम फेल हो सकते हैं, तो कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा ना। क्लियर, आप सब बच्चों ने हेनरी फोर्ड का नाम ज़रूर सुना होगा, जो बिलियनियर और एक विश्व प्रसिद्ध जो कंपनी है फोर्ड मोटर कंपनी, उसके मालिक हैं। क्या आपने सोचा है जो हेनरी फोर्ड हैं वो इस बिज़नेस में सफल होने से पहले 5 अलग अलग बिज़नेस में फेल हो चुके थे। अगर कोई आम इंसान होता तो वो जो है सब कुछ छोड़ चुका होता, लेकिन फोर्ड ने ऐसा नहीं किया। बार बार रिस्क लेने का जो उन्होंने एक जज्बा दिखाया, उसी के जो है बशर्ते आज वो एक बिलियनियर कंपनी के मालिक हैं। आपने अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम भी सुना होगा, जो 4 साल की उम्र तक कुछ बोल नहीं पाते थे, 7 साल की उम्र तक वो अनपढ़ थे, दिमागी रूप से वो कमज़ोर थे, लेकिन फिर भी वो एक बड़े साइंटिस्ट बने। और अगर उनकी विफलता की बात करें, उनका बार बार रिस्क लेने की बात करें, तो अगर वो ऐसा सोचते तो कभी भी वो सफल नहीं हो पाते। ठीक है, इसके अलावा आपने अल्वा एडिशन का नाम भी ज़रूर सुना होगा, जिन्होंने लाइट बल्ब बनाने से पहले लगभग 1000 जो एक्सपेरिमेंट थे वो गलत किए, वो उनके सफल नहीं हुए। लेकिन अगर वो ऐसा सोचते तो आज शायद ये रोशनी जिसमें हम बैठकर पढ़ रहे हैं, ये रोशनी कभी ना होती। ठीक है, अगर एडिशन जो है सारे ये उम्मीद ही छोड़ देते और आइंस्टीन खुद को दिमागी कमज़ोर मानकर बैठ जाते, तो क्या इन प्रतिभाओं के नाम हम आज यहाँ पर ले रहे होते? बिल्कुल नहीं। इसलिए बच्चों, हमें कोई भी काम करने से पहले हमें ये सोचना नहीं है कि ये नहीं होगा, हमें उसको करने का रिस्क जो है वो ज़रूर उठाना होगा।
क्योंकि जो असफलता है वही इंसान को सफलता का मार्ग दिखाती है, ठीक है। और इसीलिए जो असफलता है वो जो है सफलता से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीत नहीं सकते। सो अब हम अपनी वर्कशीट शुरू करेंगे और उम्मीद करती हूँ अब आपको क्लियर है कि हम इस वर्कशीट में किस तरह की चीज़ें जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, किसी भी चुनौतीपूर्ण कार्य को करने के लिए उसके साथ जुड़े कुछ रिस्क भी होते हैं, लेकिन उन चुनौतियों के बारे में हमारी समझ रिस्क को कम कर सकती है और हमें अपने उद्देश्य के पास पहुंचने में हमारी मदद करती है। आओ एक खेल से इसे समझते हैं। तो अब यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है जिसको करते हुए आपको रिस्क लेने का जो है बारे में समझाया गया है। पेपर टॉस खेलने के लिए, ये एक गेम है पेपर टॉस का। इसके लिए आपने गत्ते का एक टुकड़ा या पुराना कैलेंडर उस पर लेना है और उस पर लगभग 30 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला जो है वो बनाना है और उसको कुछ इस तरह से दीवार पे उसको क्या कर देना है, आपने ऐसे टांग देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अखबार से एक 3-4 इंच मोटी गेंद बनाएं जिसे दूर से इस गोले में फेंका जा सके। तो आपको 3-4 इंच जो है मोटी एक गेंद बनानी है और जिसको क्या है कि दूर से जो है इसको फेंका जा सके इस गोले के अंदर। दीवार से नीचे लिखी दूरियों पर लाइन खींच दीजिए और अंक बता दीजिए, यानी अगर यहाँ से कोई खड़े होकर फेंकता है 5 कदम से तो उसको 10 अंक मिलेंगे, अगर वो 10 कदम से फेंकता है तो उसको 25 मिलेंगे और अगर वो 15 कदम दूरी से फेंकता है तो उसको 50 अंक मिलेंगे। और यहाँ से ऐसे बॉल जो है खड़े होके जो बॉल बनाई है वो इसके अंदर जो है डालनी है, ठीक है। यहाँ पे निशाना जो है वो लगाना है। उसके बाद क्या करना है, अब घर के सभी सदस्य खेलने के लिए तैयार हो जाएं। परिवार के सदस्य आपस में चर्चा करके निर्णय करेंगे कि वे कौन कौन से अवसर में किस रेखा से गेंद को फेंकना चाहते हैं, ठीक है। कि जो है सभी सदस्य आपस में चर्चा कर लेंगे कि जो है वो कब कब कहाँ से खड़े होकर गेंद फेंकेंगे और प्रत्येक सदस्य को 3 अवसर मिलेंगे, ठीक है। हर एक को 3 चांस मिलेंगे। अंक केवल तभी मिलेंगे जब गेंद बोर्ड पर बनाए गए गोले के भीतर लगे। अधिकतम अंक प्राप्त करने का प्रयास रहेगा। हर सदस्य के 3 अवसर लेने के बाद उनके कुल अंकों की गणना करेंगे। अब आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा अंक किसको मिले। तो परिवार में सबसे ज़्यादा अंक किसे प्राप्त हुए और क्यों। तो मेरे भाई ने सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा तेज़ गेंद फेंकी थी, ठीक है। यानी हुआ क्या होगा, जो यहाँ से यहाँ पे जो खड़ा होगा, ठीक है, कुछ तो यहीं से खड़े होकर फेंकेंगे क्योंकि वो जो है इसको सोचेंगे कि इसमें जा ही नहीं सकता, क्लियर। यानी रिस्क लेंगे ही नहीं कि भाई यहाँ से अगर खड़े होके नहीं लगा तो जो है गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए 5 कदम से ही कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जिसने रिस्क लेने की हिम्मत की वो 15 कदम पे खड़ा होके, क्योंकि यहाँ पे उसको मिलने से सीधे 50 अंक, तो उसने रिस्क लिया और यहाँ से फेंकने की कोशिश की और सीधा यहाँ पे लग गई। तो रिस्क लिया तभी तो यहाँ पे 50 अंक मिले। अगर यहाँ पे पहले ये सोच ले नहीं नहीं यहाँ से तो मार ही नहीं सकते, यहाँ से तो जा ही नहीं सकता, क्यों ना यहीं से खड़े होके मार लें, कुछ तो नंबर मिलेंगे, क्या पता यहाँ पे खड़े होने वाले का यहाँ तक पहुँचे ही ना, क्लियर है। तो इसीलिए हम यहाँ तक पहुँचे ही नहीं, हमने रिस्क लेने की ज़रूरत ही नहीं समझी, ठीक है, यहीं से हमने मार दिया। लेकिन जो भाई था आपका उसने तो रिस्क ले लिया, तो उसी को जो है क्या हुआ, उसने सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए क्योंकि उसने सबसे तेज़ गेंद फेंकी थी, तो उसने यहाँ पे खड़े होके सबसे तेज़ गेंद फेंकी, रिस्क लिया तो बॉल जो है यहाँ तक चली गई। उसके बाद इस खेल में जीतने के लिए क्या ज़रूरी था, तो खेल जीतने के लिए सबसे ज़रूरी था निडरता के साथ गेंद को जोर से फेंकना, ठीक है, ये रिस्क लेना था। अब आगे क्या होगा, कुछ लोग नया या अलग करने से बचते हैं और कुछ लोग बिल्कुल नहीं डरते, ऐसा होता है ना, ऐसा क्यों होता है, आइए इसे समझते हैं। कुछ नया कर सकने या न कर सकने के कारण जो हैं वो नीचे दिए गए हैं। क्या आप उनका एक एक उदाहरण अपना या किसी और का बॉक्स में कारण के सामने लिख सकते हो। तो नया या अलग नए करने का कारण क्या है, काम में अनिश्चितताएं होना, ठीक है। उदाहरण रहेगा नया काम जो हमें समझ में नहीं आता लेकिन फिर भी उसे करना पड़ता है, तो ऐसे काम में क्या होंगी, अनिश्चितताएं होंगी। नया या अलग कर लेने का कारण, तो हम कुछ भी अलग करने का कारण कब सोचते हैं, जब हमें हमारे अंदर बहुत ज़्यादा रुचि हो किसी काम को करने में। अगर हम अच्छा खाना बना रहे हैं तो हम हर रिस्क लेने को तैयार रहेंगे क्योंकि वो हमारे इंटरेस्ट का एक जो है क्या है, काम है, ठीक है। तो उस समय जो है हम रिस्क लेने को बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, जैसे मुझे वेस्ट मटेरियल से नई चीज़ें बनाना बहुत अच्छा लगता है, तो हम हर रिस्क लेंगे बने ना बने क्योंकि झील है उस काम में। उसके बाद
नेक्स्ट देखिए, विपरीत परिणामों की संभावना होना, जब हम कोई काम करते हैं और रिजल्ट जो है वो उल्टा आ सकता है, जैसे पेपर में बहुत मेहनत करना लेकिन कम नंबर आना, और फिर से मेहनत करना, तो पेपर में हमने मेहनत की लेकिन क्या होता है, कई बार हमें आइडिया नहीं होता और जो है कम नंबर भी आ सकती हैं। उसके बाद है रिस्क की तुलना में लाभ अधिक होने की संभावना, तो खेल के दौरान चोट लगना और फिर भी खेलना और जीत जाना, तो वो क्या है, रिस्क लिया और रिस्क की तुलना में लाभ जो है वो अधिक हुआ। यदि अनुमानित लाभ रिस्क से अधिक है तो लोग रिस्क लेने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, यानी कि वे यानी अगर ये दिखे ना कि भाई अगर मैं रिस्क लूँगा तो लाभ मुझे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो उस चीज़ के जो एक होता है ना, एक मोटिवेशन की तरह काम करता है वो लक्ष्य, ठीक है, वो लाभ एक मोटिवेशन है, उसी को हम मोटिवेशन मानते हुए रिस्क लेते हैं और जो है क्या है, कई बार हमें लाभ बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये अनुमानित लाभ रिस्क से अधिक है तो लोग रिस्क लेने को तैयार हो जाते हैं, यानी कि वे अपनी अनिश्चितताओं व होने वाले प्रतिकूल परिणामों का सामना करने के लिए भी अपने आप को तैयार कर लेते हैं। और जो बिल्कुल रिस्क नहीं लेते वे कई बार अच्छे अवसर भी खो देते हैं, यानी अगर हमारे सामने कोई अवसर है तो उसके लिए हमें रिस्क जो है वो ज़रूर लेकर देखना चाहिए, पर इसके लिए ज़रूरी है हम रिस्क का सही तरह से आकलन करना सीख लें। आकलन करने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि रिस्क ऐसा नहीं है कि जो है जो कुछ आया जो कुछ जो है सामने है बस कर दो। अब आपको कोई जो है पहाड़ पर चढ़ने को कह दे और आपके पास स्किल है नहीं तो क्या होगा, क्या आप पहाड़ पर चढ़ पाओगे, और तो कोशिश भी करी तो हो सकता है आपकी जो है जान भी जा सकती है, तो ऐसा रिस्क नहीं लेना है। रिस्क में कितना जो है उसका पहले आकलन करना है, ठीक है, कि किस तरह का रिस्क है, ये चीज़ जो है ये विवेक के साथ। रिस्क का मतलब ये नहीं है कि जो कुछ कह दिया वो कर दिया, नहीं, ठीक है, रिस्क का मतलब होता है विवेकपूर्ण तरीके से डिसीजन लेना कि क्या इसमें मुझे कितना प्रॉफिट है, क्या इसमें मैं अगर जो है असफल हो भी गया तो मुझे किस तरह का जो है नुकसान होगा, इन चीज़ों का आकलन करते हुए हमें रिस्क लेना होता है। तो बताओ फिर, क्या आपने कभी जोखिम भरा या रिस्क वाला कोई काम किया है, यदि हाँ तो उदाहरण दें। हाँ, एक बार मैं बहुत बीमार था लेकिन मेरा पेपर था, बाद में पेपर दोबारा भी दिया जा सकता था, फिर भी मैंने पेपर दिया और मैं अच्छे नंबरों से पास हो गया, यानी कि स्टूडेंट लेवल पे एक छोटा सा रिस्क है। कई बार बच्चे जो है पेपर देने से घबरा जाते हैं, कुछ बच्चे रिस्क ले लेते हैं, कई बार किसी के साथ सिचुएशन ऐसी होती है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद, क्या कभी ऐसा भी हुआ कि आपने किसी कार्य को रिस्क लेने का सोचा पर रिस्क नहीं लिया, ऐसा क्यों हुआ? हाँ, मैंने एक बार पहाड़ पर चढ़ने के लिए सोचा, रिस्क लेने का सोचा ना, जैसे मैंने अभी बताया पहाड़ पर चढ़ना, लेकिन मैं रिस्क नहीं ले पाया क्योंकि मुझे ऊंचाई से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो अब उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है तो जब तक वो मेंटली तैयार नहीं होगा, ठीक है, तो हम उस चीज़ का रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर खतरा है, क्लियर, तो इसीलिए रिस्क नहीं लिया, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमें ज़िंदगी में रिस्क के जो है विवेकपूर्ण तरीके से रिस्क लेना, जोखिम उठाना, वो चीज़ जो है हमें समझनी है। तो ये थी आपके आज की EMC की वर्कशीट, उम्मीद करती हूँ सभी बच्चों को ये क्लियर है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपना एक्सपीरियंस अगर आपके पास किसी तरह का है कि आपने कभी लाइफ में रिस्क लिया हो, आप असफल हुए, सफल हुए, क्या हुआ, ऐसा जो है आप शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।